हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज हम बनाएंगे नाश्ता चावल के आटे से। ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये मैंने पत्ता गोभी धो के कटिंग कर ली है बारीक, और दो मैंने कद्दूकस किया है आलू कच्चा। इसी से हमारा नाश्ता बनने वाला है। और मैंने एक कटोरी भर के लिया है चावल का आटा, नमक डाला और मैंने इसमें जीरा डाला, सौंफ डाला है और थोड़े से गरम मसाला, हल्दी और मिर्ची पाउडर, धनिया सारे मैंने डाल दिए हैं, कसूरी मेथी डाल दिया है। बस इतने से चीज़ों में अच्छे से मसल के इसके नाश्ता हमें तैयार करना है। बहुत ही अच्छा लच्छेदार नाश्ता बनता है दोस्तों। बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची भी डाल दिया है मैंने, और अब अच्छे से इसका बैटर मैं तैयार करूंगी। ना ज़्यादा टाइट रहेगा ना ज़्यादा ढीला रहेगा, मीडियम रहेगा। और अब इसे फटाफट से बना लेती हूँ। इसे लोई बना के हाथों से सेप बना लेती हूँ कुछ इसी तरीके से। ये देख लीजिए, ऐसे ही सारे नाश्ते मैं बनाऊंगी दोस्तों। और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। पत्ता गोभी का स्वाद ऐसे मंचूरियन की तरह आता है। और आलू भी घिस के डाला हुआ है, आपने देखा। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। और ये नाश्ता बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें मैं फ्राई कर लेती हूँ एकदम गोल्डन ब्राउन। और ये देख लीजिए, कुछ इसी तरीके से ऐसे उलट पलट लेना है। ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, चावल के आटे से रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। और आप मनचाहा आकार से दे सकते हो। और पत्ता गोभी से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट पाएंगे। इसको उलट पलट के मैंने 4 मिनट तक तला है, मीडियम आंच में इसे तले। अच्छा कलर आ चुका है दोस्तों। अब ये हमारा फ्राई हो चुका है, इसे निकाल देती हूँ प्लेट में। ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरीके से सारे नाश्ते मैं तैयार कर लेती हूँ और अब सर्व करती हूँ टमेटो सॉस के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। तोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए, खाने में ना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक ही बार में बनाओगे तो परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।